शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, मेरे मंसर की सियासी और समाजी शख्सियात और मेरे उलमा इकराम और मेरे तमाम आए हुए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ईद के दिन में एक वाकया पेश आता है कि स्वीडन में मुसलमानों की दिल आजारी की जाती है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाज से उस चीज की मैं मुसम्मत करूँ। मेरा जिस्म कांप उठता है कि मुझसे वो अल्फाज हूबहू अदा नहीं होंगे। तो मैं अपनी मंसेरा की हैरतमंद आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो ये फिरका फरियत को भूल जाते हैं, ये फिरकों में बटे लोग ये भूल जाते हैं कि ये किस फिरके से हैं, ये पार्टियों जमातों में बटे हुए लोग ये भूल जाते हैं कि ये किस जमात या किस सियासी पार्टी के वर्कर हैं, बल्कि ये उम्मत मुस्लिम होकर एक जगह पर जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। क्या ही अच्छा होगा कि आज हम में यहाँ पे बड़े बड़े रहनुमा बैठे हुए हैं कि जिनकी पार्टियाँ आज इख्तदार में हैं। कितना ही अच्छा होगा कि ये आज उन सियासी रहनुमाओं उन वजीरों के घरों का घेरा तंग कर लेते, आज उनके घरों के आगे हमने दिल दे दिया होता और ये हम वहाँ पे बैठ के मुतालबा करते कि जो स्वीडन का नतीज पाकिस्तान का मुकीम है उसको आज के आज यहाँ पर जमा किया जाए। और जो हमारा सुकीम वहाँ बैठा हुआ है उसको वापस बुलाया जाए। बस अपनी जो हमारे खान ने बात कर दी है, मैं सिर्फ आखिरी बात ये करूँगा कि हमने उनके साथ जो ट्रेड रिलेशन में रखे हुए हैं उनको खत्म कर दिया जाए, उनके साथ कोई चीज भी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट न की जाए। जब हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि हमें रोजी खुदा देता है, तो फिर डरते क्यों हो, फिर कदम बढ़ाओ, आज इस मानसेरा से इस तरीके का आगाज करो और इनकी चीजों का बहिष्कार करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हर कदम पे हमारा हामी और नासिर होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।